हिंदुस्तान की फिल्म पाकिस्तान से आगे, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान से आगे, इंडिया का टेलीमेडिसिन सिस्टम पाकिस्तान से आगे, उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो सिलिकॉन वैली में छाई हुई है, उनके जो इंडिया के ऊपर क्रिकेट डिप्लोमेसी हमने देखी, हमने श्राइन डिप्लोमेसी देखी, हमें पता चला जी पब्लिक डिप्लोमेसी होती रही और जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ा काम करती रही इस हवाले से कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करते रहे। अगर अभी इमरान खान साहब ने ये क्रिकेट का जो एक मैदान में हमें जो इंडियन टीवी के से राइट्स देने थे, हालांकि इंडिया का टीवी पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है, गवर्नमेंट ने तो बैन किया हुआ है, लेकिन हम तो फेसबुक पे यूट्यूब पे हर जगह देख रहे होते हैं, पता चलता है वहां पे क्या हो रहा है, और वो भी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं, पूरी दुनिया के चैनल अलाउ हैं। ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है या आगे की तरफ लेके जा रहा है, या क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम की डिमांड है कि नहीं हमें इंडिया से वैक्सीन तो ले लेनी चाहिए रेबीज की जो है सांप काटने की और बाकी चीजों की, लेकिन हमें टीवी नहीं दिखाना चाहिए, वो माइंडसेट क्या है मतीन हैदर साहब? जी, चीमा साहब, बहुत जिसे कहते हैं आपका स्ट्रेटेजिक नोयत का सवाल है, बहुत आला माशाल्लाह आपने ये सवाल पूछा। ये माइंडसेट हमें पीछे की तरफ लेके जाएगा। देखिए, मुलाकातें आपकी हो रही हैं, सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आप जो है वो दोबारा उसके ऊपर आप कमिटमेंट दे रहे हैं। जब आप अमन की बात कर रहे हैं तो अमन के साथ तो ये चीज भी जुड़ी हुई है जो आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की। अगर हमारी कौमी सलामती के आला तरीन अहदेदार जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से या उनके तावन से मिलते हैं और पीछे बैकग्राउंड में चीजें तय की जाती हैं, फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, तो आपने पीसी की तो बात की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पीस आना चाहिए। तो यही चीज तो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, चाहे वो क्रिकेट सीरीज हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे किसी इंडियन कंपनी से राइट लेने का मामला हो। ये छोटी सी बात थी और इससे पाकिस्तान के लोगों को एक तफरी मिलनी थी, यानी उन्होंने मैच देखने थे। अब वजीर इत्तला ने ये कह दिया कि करोड़ों रुपए का जो नुकसान होगा वो पीसीबी और पाकिस्तान टेलीविजन, भाई इसको नुकसान को नहीं होना चाहिए, आप इसकी वजाहत करें कि क्यों इसको रोका गया, फैसले पे नजरसानी होनी चाहिए। बिल्कुल आपके नुक्ते से और मुद्दे से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जो माइंडसेट और ये चीज है ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाएगी। इस वक्त भी हिंदुस्तान की फिल्म पाकिस्तान से आगे, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान से आगे, इंडिया का टेलीमेडिसिन सिस्टम पाकिस्तान से आगे, उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो सिलिकॉन वैली में छाई हुई है, उनके जो जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमें यकीनी तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान का मुकाबला करना है, हम जेलसी में नहीं, हमें उनसे कम्पीट करना है। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स की, ये टेलीविजन की, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बंदिशें खोल देनी चाहिए और ये राइट्स पीटीबी को करने की इजाजत देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के व्यूवर्स देखते। और उसमें अगर कोई इंडियन एडवर्टाइजमेंट आ रहा था या जो भी आ रहा था, अब आप खाली एडवर्टाइजमेंट ही की बात देखें, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिएटिव एलिमेंट बहुत है। जिस तरीके से वो अपने एडवर्टाइजमेंट की प्रोडक्शन करते हैं, वो बंदा हैरान होता है कि इंडिया का एडवर्टाइजमेंट और पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। कंटेंट, प्रोडक्शन, पिक्चर, पैगाम, मैसेज, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कश्मीर का मुद्दा अपनी जगह पे चलता रहेगा, हमने उसके ऊपर बहुत काम कर लिया, हम ये नहीं कह, लेकिन जब आप भी ये कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि आप इंडिया से वैक्सीन भी मंगाने की बात कर रहे हैं, उसे माइनस शुगर बाकी चीजें तो आ जा रही हैं। देखिए, शुगर के अलावा बाकी ट्रेड चल रही है और मेडिकल इलाज मालजे के लिए लोग जो है वो इंडिया के अस्पतालों में जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको, ये जो सोच है, इस सोच को बदलना होगा। देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारी अस्करी क्यादत ने भी तो 2002 के मायदे की पासदारी के लिए बातचीत की, पस मंजर में बातचीत की, और उसके बाद 26 फरवरी को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और जो है 1 महीना पहले हमें भी मौका मिला लाइन ऑफ कंट्रोल पे विजिट करने का, देखने का कि इसका इसका बेरास्त असर पब्लिक के ऊपर आया सीज फायर का। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पीटीबी को ये डील करने करने की इजाजत दे देते तो अवाम इससे बेरास्त बेनिफिट होती, लोगों को खेल, तफरी, फिल्म, आर्ट, कल्चर। देखें, पहले ही माहौल में चीमा साहब बहुत घुटन है।
पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज अगले महीने होनी थी उस बल्कि इसी महीने होनी है उसको पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं स्टार टीवी और सोनी टीवी उन्होंने राइट्स ले लिए। सर आप फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्ली ली है कि क्रिकेट को भी कश्मीर से लिंक कर दिया है, आप इसको क्या एक मुनासिब चीज समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये कैबिनेट और सरकार क्या कर रही है इस वक्त? जी कमर चीमा साहब, इंतहाई अहम सवाल है आपका और बिल्कुल हम ये समझते हैं कि देखिए पहले तो मैं ये कहूँ कि कश्मीर का मुद्दा 70 बरस से तो पड़ा हुआ है, 70 बरस से आपके हॉकी के मैचेस भी हो रहे थे, आपके क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे थे, आपके लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल्स भी हो रहे थे, तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं ये मामला उठाया कि जी कश्मीर का मुद्दा है तो दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म भी मिलते रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ भी मनमोहन सिंह के साथ मिलते रहे, तो उस वक्त तो ये बात सामने नहीं आई कि जी कश्मीर का मुद्दा है बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, कश्मीर का मुद्दा है तो किसी किस्म का लिटरेचर फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, आर्ट फेस्टिवल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, कश्मीर का मुद्दा कश्मीर का मामला अपनी जगह पे है, 5 अगस्त का मामला हो या उससे पहले की सूरत हाल कश्मीर के अंदर की हो, आर्ट कल्चर इल्म अदब सहाफी मीडिया सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस डायलॉग्स पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जानने में मदद मिलती है, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी अब होने जा रही है ये एक छोटा सा मामला था, इसमें मुझे ये बताएं कि अगर कैबिनेट उसकी मंजूरी दे देती तो इसका कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई फॉल आउट या कोई नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं पड़ना था, कश्मीर का ना तो स्टेटस चेंज होना था ना उसकी इंडियन कंपनी के साथ अगर पीटीबी को अलाउ कर देते कि वो राइट्स ले लेता तो इससे कोई आपकी खारजा पॉलिसी में 90 दर्जे का यू टर्न नहीं आ जाना था या आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ जानी थी, यहाँ पर CIA के चीफ पाकिस्तान का दौरा करके चले जाते हैं मामलात को बजाय जो है वो ओपन करने के, चीजें सीक्रेट होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को और इंग्लैंड के साथ कमर चीमा साहब जो सीरीज होती है लोग बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, और ये राइट्स आपने सही कहा कि जो 2 इंडियन TV कंपनीज हैं साउथ एशिया के लिए उन्होंने पक्के रिजर्व कर लिए हुए हैं, अगर किसी किस्म की इधर उधर से कहीं कार्रवाई करके जाते हैं तो वो फिर यकीनी तौर पे मामलात जो हैं वो मामलात गड़बड़ होंगे। और अब लेकिन इसके अंदर एक और पहलू है, अब सुनिएगा कि सरकारी टीवी को तो उन्होंने मना कर दिया कि राइट्स खरीदने से, अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के ही प्राइवेट सेक्टर में कुछ टीवी नेटवर्क जो है वो इंडिया की उस कंपनी से राइट्स खरीदेंगे और पीटीवी फिर उनसे इस्तेमाल करेगा लेगा। ये बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया है ये पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के बाज मीडिया हाउसेस को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये अरबों रुपए की खेल है, एक राइट्स की जब आप लेते हैं किसी सीरियल के दिखाने के लिए तो उसमें अरबों खरबों इन्वॉल्व होते हैं, तो इधर से तो पीटीवी को मना कर दिया जाएगा क्योंकि सरकारी टीवी है, अब कोई प्राइवेट टीवी कहेगा जी ठीक है प्राइवेट टीवी या प्राइवेट टीवी कंपनी कोई भी कर ले, कलंदर वाले कर ले, फलाने कर ले, ये बुनियादी तौर पे पीटीवी से उधर चीज हटा के ये खान की गवर्नमेंट के अंदर इस किस्म की बेशुमार चीजें आ रही हैं, एक तरफ वाजिद जिया को हटा रहे हैं चूंकि उसने आपकी डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया था, दूसरी तरफ पीटीवी को हटा के आप प्राइवेट सेक्टर, अभी आप देखिएगा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर किसी प्राइवेट टीवी ने और किसी और मीडिया कंपनी ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना है, चूंकि ये हो ही नहीं सकता, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप कैसे दिखाएंगे ये सीरीज पाकिस्तानी व्यूवर्स को, तो पाकिस्तानी व्यूवर्स को देखना ही देखना है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लें, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर लें, चूंकि जो चीज खरीदी जा चुकी है वो खरीदी जा चुकी है, अब वो उसको आगे मजीद सेल करेंगे, आया वो पीटीवी खरीदता है या कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई और टीवी खरीदता है, दो चीजें के जो हमारी डिप्लोमेसी है, आर्ट की डिप्लोमेसी है, कल्चर की है, स्पोर्ट्स की है, मीडिया की है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हैं, इनको इन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह के ऊपर भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए,
अब आप देखें बड़े अरसे से ना हमारे इंडिया पाकिस्तान के रॉयटर्स मिल रहे हैं, ना किसी किस्म का कल्चरल डायलॉग हो रहा है, ना किसी किस्म के कोई रवाबत ही नहीं है, एक्सेप्ट बिल्कुल वो जो करतारपुर राहदारी वाला जो सिलसिला चल रहा है वो भी इस वक्त इंडिया ने वो रोक दिए हैं। तो जब ऐसे आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से नहीं होंगे, और चीमा साहब ये जो एक सीरीज होती है चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो किसी और मुल्क के अंदर, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इंडिया के साथ भी सीरीज होने जा रही है, इन द फ्यूचर में उधर भी सीरीज होगी, तो उसके लिए अच्छा भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सहाफी जाएंगे। तो अच्छा इंडिया और पाकिस्तान का तो स्पोर्ट्स के ऊपर जो मैच होता है वो तो एक उसके अंदर पूरी दोनों कौमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, और इसको भी यकीनी तौर पे दोनों मुल्कों के जो करोड़ों आवाम है वो देखेंगे। मैं ये समझता हूँ ये डील फेयर होनी चाहिए, इसके अंदर अगर कोई छुपी हुई चीज है, कोई सीक्रेट चीज है कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा देना था तो पीटीबी को रोक दिया गया, तो मैं यही समझता हूँ ये स्टेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मामलात को ट्रांसपेरेंट